हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रतन सागर मोहल्ले में एक घर में चोरों ने किए हाथ साफ, लाखों के सामान हुए चोरी। ओसालिया कस्बे के रतन सागर बस्ती में शुक्रवार देर रात को एक मकान में चोरों ने हाथ साफ किए। घर के अंदर मंदिर के कमरे में पड़े लोहे के बक्से को तोड़कर उसमें पड़ा लाखों का सामान और पैसे चोरों ने चोरी कर लिए। पार्थी गिरधारी लाल ने बताया कि वो और उसकी पत्नी घर की छत पर ऊपर सो रहे थे। शनिवार अलसुबह उसकी पत्नी जगे और नीचे जाकर देखा तो लोहे का बक्सा खुला हुआ था, जिसमें रखा हुआ सामान और नकदी गायब थी। सूटकेस भी था जिसमें से भी सामान गायब हुआ है। पालड़ी थाने में उक्त चोरी की रिपोर्ट देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रार्थी ने बताया कि उसके घर में रखा हुआ सामान, दो लोटे का मनु बग जिसमें सोने और चांदी के जेवर पड़े हुए थे, साथ ही पैसे 1,30,000 रुपए लोहे की पेटी में थे और दो सूटकेस थे जो भी गायब थे। मंदिर के पास में उन्होंने अपने लोहे का बक्सा और गलकथी रखी थी जिसमें हर एक सामान था। जब उन्होंने वो सामान नहीं पाया तो उन्होंने सब जगह देखा। उनके घर के पास में भाटाला जाव की भूमि पर बेरी और कस सब बिखरे पड़े हुए थे। ऐसे में उनके 1,30,000 रुपए की चोरी, साथ ही सोने की चेन, एक कड़ी, 159 एक झूमर जोड़ी 15 ग्राम की, दो कान की 22, 109 ग्राम की एक जोड़ी लूंग, आधा ग्राम सोने के जेवरात, चोड़े, दो कमरबंद जिनका वजन 65,090, दो जोड़ी पाफल, साथ ही दो जोड़ी तोला 13,000 इंक्रान में, बाकड़ा सेट 150-150 ग्राम व छोरी अरिम 250-290 चोरी की। अज्ञात चोर उनके घर की छत से अंदर घुसे और लोहे का ताला तोड़कर चुरा ले गए। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।